जहाँ आज देश में बड़े बड़े कार्यों का विकास हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन नई तकनीकी आ रही है, वहीं हमारे देश के युवा ही नहीं बल्कि बच्चे भी पीछे नहीं हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला बाहरी दिल्ली के शाबाडेरी इलाके के रूप कृष्णा पब्लिक स्कूल में। वहाँ विज्ञान मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। Good morning, sir. This model is showing the Delhi Metro train scene. It was introduced in Delhi on 24th December 2004. Thank you. इस मेले में छात्र छात्राओं ने घर में पड़े बेकार सामानों से कई तरह के मॉडल व डिजाइन तैयार किए, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापक, अभिभावक भी मौजूद थे। छात्र छात्राओं द्वारा पुरानी वेस्ट वस्तुओं से उत्कृष्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ऐसी विशेष कलाकृतियां तैयार की गई जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। Good morning. This model is about population explosion. India is a very thickly populated country. There are approximately 100 crore of people. The main problem connected with that are those of housing, unemployment and scarcity of food. Scientists are very worried about spreading the population day by day. They find out some evidences of mass plans for living. In future time, they will be succeeded. But people must learn that taking various steps to check the growth of population. Thank you. इस अवसर पर बच्चों ने लोगों को यह संदेश दिया कि बेकार चीजों से भी अनोखी कलाकृतियां मॉडल द्वारा घरों की शोभा बढ़ा सकते हैं। इन पुरानी चीजों से कुछ अनोखा कर दिखाने का जज्बा रूप कृष्णा पब्लिक स्कूल के बच्चों में देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने कुछ काम न आने वाली चीजों को उपयुक्त चीजों में बदलकर उनसे नए आविष्कारी कार्य को जन्म दिया, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी और वातावरण शुद्ध व साफ रहेगा।
हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। ये सच कर दिखाते हैं हमारे ये विद्यालय के विद्यार्थी। एक छोटी सी शुरुआत ही बड़े बड़े किले फतेह करती है। रूप कृष्णा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय के प्रांगण में समय समय पर कुछ आयोजन किए जाते हैं, जिनमें कला प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी और स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। हमारे स्कूल के सभी बच्चे विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर कुछ विज्ञान की प्रयोगशालाएं आयोजित करते हैं और ये बच्चे इस बार ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू और वृक्ष बचाओ अभियान के द्वारा आप सभी अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि कृपया आप भी इस अभियान में शामिल होइए और देश को इस सर्वांगीण विकास में सहयोग कीजिए। इन बच्चों ने बेकार वस्तुओं से पर्यावरण को साफ रखने के लिए जो आविष्कार किए उन्हें सभी अध्यापकों तथा देखने वालों ने खूब सराहा। अनमोल कुमार, इंडिया प्लस न्यूज़, दिल्ली।